आप लोग देख रहे हैं फिट डब्ल्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा ट्राई करने वाले हैं जो कि आज से पहले किसी ने भी नहीं किया होगा और ना ही किसी को कहना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग चाय बनाने की कोशिश करेंगे, वो भी गीजर में। तो अब इससे ज़्यादा वियर्ड और क्या हो सकता है कि लोग जिसका यूज़ नहाने के लिए गर्म पानी निकालने में करते हों, उसका यूज़ हम लोग यहाँ पे एक चाय बनाने में करने वाले हैं। पता नहीं क्या होगा, बनेगी भी या नहीं, और बनेगी तो कैसी बनेगी, उसका स्वाद कैसा होगा, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो ऐसे वियर्ड आइडिया के लिए एक लाइक तो बनता है, ये फटाक से वीडियो को लाइक करो। तो चलिए, यहाँ पे सारी सामग्रियाँ तैयार हैं चाय बनाने के लिए। चाय पत्ती, चीनी, दूध। तो प्लान कुछ ऐसा कि यहाँ पे चाय पत्ती और चीनी को पानी में मिला के हम लोग इस कीप के थ्रू गीजर में पहुँचाएंगे और गीजर को ऑन कर देंगे और इसके अंदर ही इसे उबलने देंगे। और फिर जब उबलने लगेगा यहाँ से हम लोग इसका आउटपुट ले लेंगे, फिर इसमें दूध भी मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले सिंपल पानी डाल के चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्लान वर्क करेगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे नीचे से पानी को जाना होगा। फिर जब मैंने इस चीज़ को चेक किया तो मैंने यहाँ पे करीब 1 लीटर पानी डाला, लेकिन वहाँ से ऊपर से पानी बिल्कुल भी नहीं निकला। तो ये प्लान वर्क नहीं कर रहा था, तो मुझे क्या करना पड़ा, इस पाइप को गीजर के ऊपर वाले सिरे पे लगाना पड़ा, यानी कि प्लान को उल्टा करना पड़ा। और फिर जब मैंने इसमें पानी डाला, फिर धीरे धीरे हल्का सा पानी नीचे से आने लगा। हालांकि ये उल्टा सिस्टम है, लेकिन अब चाय बनाने का ठाना है तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चीनी और चाय पत्ती को ग्राइंड कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि गीजर में ये फंस सकता है। तो अभी मैं इस चाय पत्ती और चीनी को इस बोतल के पानी में अच्छी तरीके से सेक करके मिक्स कर लेता हूँ। तो चलिए इसे ऊपर वाले पाइप में डालते हैं अच्छी तरीके से, जब तक कि हमारा गीजर अंदर से पूरी तरीके से फिल ना हो जाए। तो फाइनली ये मुझे लग रहा है अब जाना बंद हो रहा है, और यहाँ पे मुझे अभी से ऐसा लग रहा है कि चाय पत्ती कहीं ना कहीं हल्की सी फंस जरूर रही है। तो काफ़ी स्लो है ये, लेकिन ऐसा होने पर ये बॉयल भी अंदर हो जाएगा अच्छे तरीके से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पाइप के सिरे पर मुंह लगा के फूंकना होगा, तभी ये पूरे तरीके से निकल पाएगा। ऐसे तो मुश्किल ही लग रहा है, काफ़ी स्लो है। तो फूंकते हैं, तो दूध भी काफी स्लो जा रहा है, मैंने काफी तेजी से फूंका था, लेकिन फाइनली दूध चला ही गया इसके अंदर, ये देखो। और हमारी चाय बनने भी लगी शायद, वो देखो यहाँ से दूध मिक्स वाला पानी आ रहा है, यानी कि चाय आ रही है। तो मैंने एक नया ग्लास लगा दिया है, और ये देखो काफी स्लो है, शायद एक बार और से फूंकना पड़ेगा इसमें। यार हवाई खिसक गई, इसमें चाय बनाने में तो आंधी आ गई। हाँ बहुत मेहनत लग गई इसमें, तो इतनी मेहनत से चाय मैंने आज से पहले कभी भी नहीं बनी, और मुझे लगा कि सारी चाय पत्ती इसी के अंदर ही फंस गई है। तो इसे निकालते हैं और चाय को चखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही कमाल का व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपके घर में पढ़ाई करने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा काम आएगा।
तो अगर आपके घर के बच्चों को साइंस और मैथ्स के सवालों में प्रॉब्लम होती है तो .NET के व्हाट्सएप नंबर पे उस सवाल की फोटो को क्लिक करके अच्छी तरीके से क्रॉप करके भेजने के बाद तुरंत ही आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। और .NET का व्हाट्सएप नंबर है 8400400। और यही नहीं, इसके ऐप पे भी सिंपली सवाल की फोटो को क्लिक करके भेजने पर आपको तुरंत ही इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, एक बार ट्राई जरूर से करना। और ये ऐप और भी बहुत सारे स्ट्रीम्स के बच्चों की पढ़ाई में तैयारी करवाता है, तो यूज जरूर से करना, क्योंकि मेरे घर के बच्चे लोग भी इस ऐप को यूज करते हैं, क्योंकि ये ऐप पूरी तरीके से फ्री है, बहुत ही कमाल का है। तो चलिए देखते हैं कि मेहनत से बनी चाय का स्वाद कैसा है। बहुत ही मेहनत से बनी है, तो एक लैग तो फटाक से बनता है। तो लगता है कुछ ज्यादा ही मेहनत हो गई, वो भी शायद गलत डायरेक्शन में। तो मेहनत से बनी चाय का स्वाद कैसा होता है वो तो आपने देख ही लिया। बहुत ही घटिया। और ये एकदम छनकी आई है, ऐसा क्यों मुझे कुछ समझ में नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि सारी चाय पत्ती चीनी इस गीजर में रह गई है। तो ऐसा करते हैं गीजर को ही खोल के देख लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। तो देख लो, सारी की सारी चाय पत्ती इस गीजर में ही फंस गई थी, इसीलिए मुझे बार बार फूकना पड़ रहा था और कुछ भी इस गीजर के बाहर नहीं आ रहा था। तो कुछ ऐसा हुआ जब भी मैंने गीजर में चाय बनाने की कोशिश करी, बहुत ही वियर्ड था। तो वीडियो को शेयर जरूर से करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो इस वीडियो में बस इतना ही।